एमसी शिमला चुनाव से पहले नए वार्डों के गठन पर पार्षदों ने विरोध जताया है। सोमवार को नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई गई। विशेष बैठक में निगम परिधि के साथ लगती पंचायतों को मर्ज करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर सभी पार्षदों ने विरोध जताया है। पार्षदों का कहना है कि जब 2006 में मर्ज वार्डों को आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है, तो नए वार्डों को बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। 2006 में न्यू मर्ज एरिया की भूमि पंचायत से ट्रांसफर नहीं हो रही है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आ रही है। नगर निगम मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि पार्षदों के विरोध का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। नए वार्डों के गठन को लेकर पार्षदों ने असहमति जताई है। इसके अलावा विशेष बैठक में शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मुहर लगी है, जिसमें सड़क को चौड़ा करने, एम्बुलेंस मार्ग और सड़कों के पैचवर्क भरने के लिए बजट भी पारित किया गया है। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आया कि ये हाउस विशेष सत्र है या जो पहले सत्र डेफर हुआ था वही सत्र है। जब चर्चा की गई तो इन्होंने बताया कि पुराना ही सत्र को डेफर किया गया था, वो आ जाए, परंतु उससे बाद नया एजेंडा शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। वो जो नया एजेंडा शामिल किया गया है, वो एजेंडा ये था कि ठीक है, कहीं ना कहीं सम्मिलित क्षेत्र जो 7 लगते क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाए, उनको नगर निगम का भाग बनाया जाए। इसी संबंध में मैंने भी 2 प्रश्न लगाए थे। एक हमारा मर्ज एरिया ग्रांट को लेकर प्रश्न था, एक प्रस्ताव था कि जितने भी हमारे पास भूमि है 16x16 का लिमिट में 34 भागों में जितना भी भूमि है उनको सीधे तौर पर नगर निगम में मर्ज कर दिया जाए, ताकि लोगों को हम सुविधाएं प्रदान कर सकें। प्रश्न को इन्होंने डेफर कर दिया, प्रस्ताव लगा, उसमें भी इनके आनाकानी है। शायद ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझ नहीं पाए चीज़ों को, या मैं समझाने में असमर्थ रहा, क्योंकि जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो कर दे रहे हैं और अतिरिक्त कर दे रहे हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे पूरे देश प्रदेश के लोग हैं, 2 प्रकार का कर देते हैं, वस्तु एवं सेवा कर और आयकर। शहरी निकाय का व्यक्ति संपत्ति कर भी देता है, इसलिए उसकी अतिरिक्त सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए, परंतु बावजूद उसके सुविधा नहीं मिल रही। मूलभूत सुविधाओं से भी क्षेत्र आज तक वंचित है, कारण जमीन हमारी नहीं है, इसलिए 2 व्यवस्थाएं रखी गई, परंतु परिणाम शून्य। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जनता कर दे रही है, भांति भांति के कर जनता पे लग रहे हैं, केंद्र सरकारें योजनाएं दे रही हैं, परंतु जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें शामिल क्यों किया जाना चाहिए, या ये डिलिमिटेशन या मर्जर है, इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। हमने सदन में ही पूछा कि आइदर इट्स डिलिमिटेशन और मर्ज। डिलिमिटेशन स्टैंड टू कि ठीक है, जितना हमारा पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे, पर आप कह रहे हैं ये मर्जर है। अगर मर्जर है तो उन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जब हम लोगों को शामिल किया गया था 2006 में, तो वो किसी योजना के तहत शामिल किया गया कि वर्ष 2006 में जेनेन्यूआरम आया था, उसके लिए 2 लाख का पॉपुलेशन रिक्वायर्ड था, उसके अगेंस्ट हमें मर्जर किया गया। आज ऐसी कोई योजना नहीं है नहीं जिसके लिए लोगों को मर्ज किया जाना चाहिए कि इतनी पॉपुलेशन रिक्वायर्ड। तो हमारी तो बात यही है, जब हमें सुविधा नहीं मिल रही है तो उन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर पहले हमें सुविधा दे दीजिए, जब हम एट पार हो जाएंगे उनको भी शामिल किया जाए। तो हाउस स्थगित हुआ था, आज उस पर वो निर्णय लिया गया है। इसमें बहुत सारे कार्य जो है डेवलपमेंट्स के रिलेटेड थे, और जैसे कि एम्बुलेंस रोड थे, और एम्बुलेंस रोड जो एक पत्थाघाटी का एम्बुलेंस रोड था, कई दिनों से पेंडिंग में था, और 26 लाख की लागत से आज उसका एस्टिमेट पास किया गया है। दक्षिण बिहार का भी एक एम्बुलेंस रोड था, 12 लाख की लागत से आज पास कर दिया गया है। वार्ड नंबर 7 में मिर्जाहट में जो है एक जो है बराल के लिए जो रास्ता जाता है, वो 45 लाख की लागत से जो है उसको आज पारित किया गया है। इसी तरह गरीबों को जो है ढली में 2 जो है आशियाना में 2 घर दिए गए हैं, और जो होमगार्ड के जो हमारे होमगार्ड के जो जवान हैं जो यहाँ हेल्प करते हैं तहरदारियों के साथ, उनको हमने जो है 6 महीने की एक्सटेंशन दी है। इस तरह के बहुत सारे कार्य जो है आज जो मुद्दे थे वो हमने इस हाउस में पारित किए हैं, खासकर जो डेवलपमेंट के काम थे उनको हमने पास किया है। देखिए, जो इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा हुई है कि कौन कौन से जो है वार्ड जो है सम्मिलित करने चाहिए, इसके लिए मैक्स में मैंने देखा है कि इसमें जो हमारे पार्षद है उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन किया है। इसके जो इनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं वो हम सरकार को भेजेंगे, अंतिम निर्णय सरकार ने लेना है इसमें।